सो दिस इज सिंजिन चार्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चार्ट्स देख के आप कंपेल हो जाते हो ट्रेड लेने के लिए या फिर उसको एनालाइज करने के लिए, तो सिंजिन भी उन्हीं में से एक है। बहुत ही क्लासिक और बहुत ही प्यारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसमें बना है। आप जैसा कि देखोगे यहाँ से सिंजिन की जर्नी शुरू हुई थी। दिस इज 2015 के अगस्त से ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, फिर इसने एक मल्टीपल टाइम, ये वीकली है, मल्टीपल टाइम इधर रेजिस्ट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दे के फाइनली ये जो पीक बनाया इधर बनाया यहाँ पे, फिर नीचे आया। इसने अपने ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट किया एक बारी, दो बार, और फिर इसने यहाँ से फिर से एक दूसरा अप ट्रेंड की शुरुआत किया। ऊपर गया, फेल हुआ, मल्टीपल टाइम टेस्टेड, फेल फेल फेल। ये करीब 2016 से साइडवेज चला और एक ही रेंज को टेस्ट करता गया। फाइनली 2020 मार्च आया और प्राइस बहुत बुरी तरह से तोड़ा। और इस तरह के जब फॉल आते हैं ना, तो सारे जो छोटे मोटे ट्रेडर या जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो सिर्फ प्राइस एक्शन के भरोसे बैठ के ट्रेड करते हैं या पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, उस तरह के सारे प्लेयर बाहर आ जाते हैं। तो वो एक तो इस तरह के प्लेयर बाहर आ जाते हैं, और जो दूसरे तरह के प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर भी आप समझ लो, इन्वेस्टर जिनको पता है, इन्वेस्टर की खैर बात नहीं करते हैं, जिनको दिखता है कि यार यहीं पे प्रीवियसली ब्रेकआउट आया था, मैसिव ब्रेकआउट सिंजिन का, और फिर प्राइस यहीं पे एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना रहा है, तो दिस कैन बी ए वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो प्राइस की मेमोरी हम सबसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन दो वी डोंट रिमेम्बर कि पास्ट में क्या हुआ था, बट प्राइस को याद होता है कि मैंने इधर ही ब्रेकआउट दिया था, इधर ही रिटेस्ट किया था, इधर ही उठना है। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ भी तो रिटेस्ट किया था, यहाँ भी तो प्राइस ऊपर गया था। तो आप अगर देखोगे तो ये एक बहुत ही छोटा रेंज था, और इस रेंज को आप देखो बहुत ही छोटा था, और ये थे एक काफ़ी बड़ा वेव था। यहाँ पे देखो एक काफ़ी बड़ा वेव। तो आप इसको एक छोटा सा रेंज मान लो, एक छोटा रेंज था, ये भी एक छोटा रेंज था ये, और ये जो था ये काफ़ी बड़ा रेंज था जहाँ पे एक मैसिव ब्रेकआउट, और ये बेसिकली इस पूरे जो ये 2016 से और यहाँ तक की जो रेंज बना था एक्चुअली इसी ब्रेकआउट के बाद बना था। एंड आप देखो तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, फिर इसने 329 पे 2020 के मई में ब्रेकआउट दिया, और फिर उसके बाद चलता ही चला गया। अब आते हैं रिसेंट टाइम पे, यहाँ पे इसने काफ़ी बड़ा गैप बनाया था यहाँ पे आप देखो, और अगर देखा जाए तो कायदे से ये गैप अभी तक फिल हुआ ही नहीं है। दिस इज़ ए हिडन गैप, आप इसको ब्रेक अवे गैप भी बोल सकते हो या रन अवे गैप बोलते हैं, जो गैप अभी तक फिल ही नहीं हुआ है। आप ये देखो, ये क्लोजिंग थी और ये ओपनिंग थी, प्राइस नीचे आया लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं आया, ये एक हिडन गैप रह ही गया इधर। बट डेली कैंडल पे इसने गैप फिल किया है, जो आपको दिखेगा कि गैप फिल्ड है बट एक्चुअली नहीं है। तो दिस बिकेम ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट टू एंटर लॉन्ग्स। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से प्राइस मूव किया, यहाँ एक साइडवेज बनाया, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब इस तरह के, अब पहले ये देखते हैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसा ब्रेकआउट आया था। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, देखो हमने इसको और इसको टच कराया और आगे एक्सटेंड कराया, तो क्या बना, ये टच हो गया और इधर भी टच हो रहा है, तो हमने दो पॉइंट को टच कराया और आगे तीसरा पॉइंट टच हो गया, तो तीसरा और चौथा पांचवा, तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब जब ये ट्रेंड लाइन टूट रहा था तो और क्या टूट रहा था, एक स्विंग हाई भी टूट रहा था देखो, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऊपर जाके प्राइस फिर पुल बैक किया, पुल बैक करके यहाँ रुका ब्रेकआउट के बाद, और फिर अब यहाँ चला। अब दो क्वेश्चन आते हैं कि आज ही क्यों ये बाई किया
और दूसरा है कि कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंटम में। तो अब देखो ब्रेकआउट तो इधर ही आ गया था, और ये जो था ये शेकआउट था और रिटेल को निकाला जा रहा था। तो अब आप पूछोगे कि कैसे पता चलेगा कि ये सब, एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था ही, दूसरा अगर मैं यहाँ से जो एक वेव शुरू हुआ था इसका अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ इस लेवल से, तो ये 61% को टेस्ट करके बहुत बार नीचे गया लेकिन ऊपर ही क्लोज दिया। क्यों नहीं यहाँ से लिया मैंने, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ मेरे हिसाब से ये आई गेस ये लग तो रहा है 50% यहाँ रिट्रेस हो चुका था। देख लेते हैं। तो हम लोग इस छोटे ये छोटे छोटे वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो चुका था। अभी इसको डेली चार्ट में ले आते हैं, समझने के लिए ज़्यादा आसान होगा। अब आप देखो ये 200 WMA लगा, ए सॉरी 200 DMA लगा हुआ है। अब आप देखो ये प्राइस 200 DMA को रिटेस्ट कर रहा था। अब ये समझते हैं, अब उस छोटे वेव में भी इसको समझते हैं। एक तो आपने वीकली पे देखा कि यहाँ सपोर्ट है, अब ये जो छोटा वेव बना था ये, तो इसका 61% होगा ये 610 या 50% होना चाहिए। अब देखो तो आपको ये सिग्नल फ्राइडे को ही मिल गया था कि अब सिंजिन चलने वाला है, क्योंकि 61% पे इसने अच्छा कैंडल बना लिया था। पहला तो ये आप भूल जाओ कि आज इसने कुछ ब्रेकआउट दिया, हम लोग फ्राइडे को एनालाइज कर रहे हैं। दूसरा एक स्विंग रेजिस्टेंस यहाँ पे था 643 पे, 643 पे स्विंग रेजिस्टेंस भी था और ये 61.8 को के आसपास एक अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल भी बनाया था। ये दो चीज़ थी। तो अपना यहाँ पे क्या कट रहा है, और तो ये था कि एक तो अप ट्रेंड में क्लियरली था ही प्राइस, दूसरा हमने देखा कि यार अगर इसको गिरना होता तो यहाँ से और नीचे आ जाता, दूसरा वीकली में ये सपोर्ट के पास था ही, तो फ्राइडे का कैंडल ही इम्पोर्टेंट था। अब जब इसने इसको काट दिया तो अब क्वेश्चन बनता है कि ये तो कटा ही कटा, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट मैंने देखा लॉन्ग लेने के लिए। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ से सेल ऑफ शुरू हो चुकी है कि अब प्राइस नीचे जाना है, अगर जो नीचे जाना है इसको तो ये इस पूरे सेल ऑफ का 61% से ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस, उसको रिटेस्ट करके पलट जाना चाहिए। तो अब देखते हैं इस एंटायर सेल ऑफ का 61% कहाँ आता है। तो 61% आता है यहाँ पे 657, और प्रीवियसली इसने इसको टेस्ट करके नीचे आया था, नीचे आया लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, इस वाले स्विंग का 61% यहाँ पे था जहाँ से पलट गया। पहले आप ऐसे समझो, इस वाले स्विंग का 61% ये टॉप था जहाँ से प्रीवियसली पलटा है, लेकिन इस वाले स्विंग का 61% ये था जहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो फ्राइडे को ये सिग्नल दे दिया और आज जैसे ही इसको तोड़ा ये सिग्नल दे दिया कि अब जो इसको तोड़ेगा 655 को, वैसे तो आप देखो 50% इधर ही कोइंसाइड कर रहा था, 644 के ऊपर ही ये ब्रेकआउट था, मल्टीपल टाइम ऑफ मल्टीपल थिंग्स ब्रेक कर रही है, रिट्रेसमेंट भी ब्रेक कर रहा है और जो डाउन ट्रेंड का एक मोमेंटम होता है 50% का उसको तोड़ा, और उससे भी ऊपर जो फाइनल होप होता है बियर्स के पास इसको भी तोड़ गया 657 पे। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई भी था, एक कहने को आप विक का हाई बोल सकते हो आप, और 61% भी था। तो आप देखो जैसे मैंने लिखा भी था इसीलिए 657 जैसे ही टूटेगा ब्रेकआउट स्ट्रांग आएगा, तो वैसा आया भी। अब क्या है, हो क्या सकता है, तो ये क्लियर है कि ये एक नॉर्मल पुल बैक था, हेल्दी पुल बैक था जिसको प्राइस ने फाइनली ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो बुल्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड एंड मेड पोजीशंस एंड बियर्स आर वेरी वीक इन दिस। ओवरऑल ट्रेंड क्या कह रहा है, ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। हो क्या सकता है, अब हो यही सकता है कि आप जब इसका वीकली चार्ट देख रहे हो जिसमें आपको कहीं रेजिस्टेंस अब नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, बहुत तरीके होते हैं। तो एक एक ट्रेंड लाइन का तरीका हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन क्या कहता है। ट्रेंड लाइन अगर हम दो मिलाते हैं तो अभी हमने सिर्फ इस दो लाइन को मिलाया है, अब ये वैलिड है नहीं है पता नहीं,
क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड तो है नहीं, तो एक प्रोबेबल्स जो रेजिस्टेंस जोन हमें मिलता है विथ फॉर्म टचिंग दीज टू लाइन 796। दूसरा क्या निकल सकता है और भी, ये हो दो लाइन को टच कराने से कोई वो टारगेट नहीं आ जाता, बट हम एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस जोन फाइंड करते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस जोन क्या आ रहा है, 718। 718 के पास एक दूसरा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। अब तीसरा तरीका क्या है आपको टारगेट ढूंढने का? तीसरा, बहुत सारे तरीके होते हैं अनचार्टेड टेरिटरी में। एक तो आपका पहला टारगेट यही है 704, जो प्रीवियस कैंडल हाई है, हालांकि इसको तो तोड़ ही देना चाहिए, तोड़ के यहाँ तक आना चाहिए। अब देखते हैं एक और फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो फिबोनाची एक्सटेंशन से हम लोग डेली कैंडल पे भी ढूंढ सकते हैं, वीकली पे भी। आपको डेली पे दिखाता हूँ क्योंकि आपको स्विंग समझ में आएगा ढंग से। डेली पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, क्योंकि हमारा जो वेव अभी शुरू हुआ है प्राइस का, लोअर ये लो रेंज था, ये हाई बना और ये आपका फिर से लो। तो हम ऐसे निकालेंगे एक्सटेंशन से, लो हाई लो। तो आप देखो टारगेट आपका आ रहा 0.68 685 पे। यूजुअली जब इस तरह का मूव आता है तो वो 100% तक रिट्रेस मिनिमम करता है, तो और टारगेट कम्स अराउंड 743 पहला। बहुत ही बेस्ट केस में तो यहाँ आ जाएगा 837 तक, वो जो बहुत इजीली पॉसिबल है। तो आर टारगेट इज मल्टीपल टारगेट्स भी है और रेजिस्टेंस भी है, अब निकलना कहाँ वो आपके ऊपर होता है। वो हम ऐसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें हमें से किसी को नहीं पता है कि प्राइस कहाँ से पलटेगा, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है, दूसरा 743 पे आता है, तीसरा 787 पे आता है। तो इस तरह से टारगेट्स सपोर्ट और ब्रेकआउट को मैं देखता हूँ, और इसी तरह से कन्विक्शन आने पे हम लोग जोरदार हिट करते हैं।